हेलो दोस्तों, मैं फैयाज और आप देख रहे हैं इंडियन टेक वीडियोस। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा रेडमी नोट 8 और रेडमी नोट 8 प्रो में आप अपने फॉन्ट को कैसे बदल सकते हैं। अगर आपके पास रेडमी का नोट 8 है, नोट 8 प्रो है, रेडमी नोट 7 है, 7 प्रो है, 6 6 प्रो है, इस तरह के रेडमी का कोई भी मोबाइल है, तो आप उसमें बहुत आसानी से अपने फॉन्ट को बदल सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, आपको थीम का ऑप्शन मिल जाएगा। रेडमी के हर मोबाइल में थीम का ऑप्शन होता है, यहाँ पे दिख रहा है आपको थीम का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस थीम के ऑप्शन क्लिक करना है। जैसे ही आप थीम के ऑप्शन क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे आपको टी का आइकन दिखेगा। यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं टी का आइकन दिख रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इस टी के आइकन को क्लिक करना है। ये देखिए, मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप टी के आइकन को क्लिक करेंगे, तो आपके इस रेडमी में जितने भी फॉन्ट है उन सबकी लिस्ट आ जाएगी और उनका प्रीव्यू आ जाएगा। आप देख सकते हैं कौन सा थीम है, क्या नाम है, सॉरी कौन सा फॉन्ट है, उसका क्या नाम है और कैसा दिखता है। यहाँ से बहुत सारे आपको फॉन्ट मिल जाएंगे जिन्हें आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप अपने मोबाइल के फॉन्ट को देख के बोर हो गए डिफॉल्ट फॉन्ट को, तो आप यहां से कस्टम फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे करना है। मान लीजिए कि हमें ये मोबी स्ट्रीम है, ये हमें फॉन्ट पसंद आया, हम इसे अपने मोबाइल में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपली इसे क्लिक करना है। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो ये कुछ सेकंड का वक्त लेगा और यहाँ पर डाउनलोड फॉर फ्री का एक बटन आपको दिख जाएगा, डाउनलोड फॉर फ्री, यानी कि ये डाउनलोड के लिए फ्री में उपलब्ध है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसे डाउनलोड कर लेना, बटन को दबा देना और ये कुछ सेकंड का वक्त लेता है और ये आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। ये देख सकते हैं प्रोसेस चल रहा है, डाउनलोड का डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पे आपको एक और बटन दिख गया अप्लाई, तो सिंपली आपको क्या करना है, इस अप्लाई बटन क्लिक करना है। अगर आप इस फॉन्ट को अपने मोबाइल में यूज करना चाहते हैं तो आप सिंपली अप्लाई बटन क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप अप्लाई बटन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक आपको मैसेज मिलेगा रिबूट का, यानी आप अपने मोबाइल को अभी रिबूट करिए। अगर आप चाहते हैं कि ये फॉन्ट आपके मोबाइल में दिखे, तो आपको अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करना है। उसके लिए आप सिंपली इस रिबूट बटन को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप रिबूट बटन क्लिक करेंगे, आपका मोबाइल रीस्टार्ट हो जाएगा और ये फॉन्ट आपके मोबाइल में अप्लाई हो जाएगा। तो मुझे ये नहीं करना है, तो मैं इसे सिंपली कैंसिल कर दूंगा और बैक हो जाता हूँ। बैक होने के बाद से मैं आपको फिर एक बार और दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि आपने फॉन्ट को अप्लाई कर दिया और आप फिर पुराने फॉन्ट को देखना चाहते हैं, तो वापस आप थीम को क्लिक करिए और यहाँ पे टी को क्लिक करिए। टी को क्लिक करने के बाद से सॉरी ये लास्ट का जो आइकन है इसे क्लिक करिए, इमोजी जैसा है इसे क्लिक करिए। जब आप इसे क्लिक करेंगे, तो आपके मोबाइल में जितनी भी चीजें इंस्टॉल हैं, आपके रिंगटोन, आपके वॉलपेपर, आपके थीम, आपके फॉन्ट, आपके आइकन सेट, वो सारी चीजें यहाँ आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये ऊपर से ये फॉन्ट का ऑप्शन दिख रहा है, तो सिंपली जैसे ही आप इस फॉन्ट को क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा दो फॉन्ट, तीन फॉन्ट। एक तो सबसे ऊपर डिफॉल्ट है जो कि मोबाइल के साथ रहता है, उसके बाद मोबी स्ट्रीम जिसे अभी हमने डाउनलोड किया था, उसके बाद एरियल स्लैब जिसे मैंने पहले डाउनलोड किया था। तो ये सारी थीमें आ गई, यहाँ से आप जिसे चाहें उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, दोबारा अपने मोबाइल में अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके मोबाइल में मोबी स्ट्रीम है और आप डिफॉल्ट चाहते हैं, तो वापस आप डिफॉल्ट को क्लिक कर दीजिए और ये इंस्टॉल हो जाएगा। यहां से इसका प्रीव्यू दिखता है कि आपके मोबाइल में दिखेगा कैसे। अगर आप इसे देखना चाहते हैं, इसका प्रीव्यू दिखेगा कि आपके मोबाइल में दिखेगा कैसे, नंबर्स कैसे दिखेंगे, मैसेजेस कैसे दिखेंगे। ये देख सकते हैं मैसेजेस कैसे दिख रहे हैं, नंबर्स कैसे दिख रहे हैं, आपके फोन नंबर्स और ये सारी चीजें कैसे दिख रही है, ये सारी सारे प्रीव्यू आपको इसके इसमें मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने फॉन्ट का प्रीव्यू देख सकते हैं। बैक हो जाइए, मान लीजिए इसका प्रीव्यू देखना है, तो ये देखिए इसका प्रीव्यू भी दिख गया आपको। तो इस तरह से आप प्रीव्यू देख के वापस नीचे अप्लाई बटन है, यहाँ देख सकते हैं नीचे अप्लाई बटन है, अप्लाई बटन को क्लिक करेंगे, ये थीम आपके मोबाइल में अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अप्लाई करने के लिए आपको अपने मोबाइल को रीबूट करना पड़ेगा, यानी रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपने Redmi नोट 8, नोट 7, नोट 8 प्रो, नोट 7 प्रो, नोट 6, इन सब मोबाइलों के फॉन्ट को बदल सकते हैं। यहां बहुत सारे फॉन्ट है, आप जितना चाहें उतना डाउनलोड कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने मोबाइल में बड़ी आसानी से फॉन्ट को बदल सकते हैं। यहाँ से कैटेगरीज भी है, यहाँ पे न्यू फॉन्ट है, जो भी अभी न्यू फॉन्ट बने हैं रेडमी के लिए उन सबकी लिस्ट है। यहाँ से आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं बहुत सारे फॉन्ट है। उसके बाद से यहाँ पे जो टॉप के फॉन्ट है, ये देखिए जो टॉप के जो यूजर सबसे ज्यादा यूज करते हैं उसकी भी लिस्ट है। आप यहाँ से क्लिक करके आप इनमें से किसी को चाहें तो उसको अपने मोबाइल में अप्लाई कर सकते हैं और उसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा, कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। अगर आपको इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ड्यू रिकॉर्डर, काइन मास्टर जैसे एप्लीकेशन चाहिए, तो मुझे मेल करिए। मेरा मेल आईडी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, मैं आपको वहां से भेज दूंगा, उसका एपीके लिंक भेज दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।